यूपी में जारी नेम प्लेट फरमान पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और जिसकी गूंज अब बिहार में भी सुनाई दी गई है। बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक शकील अहमद ने यूपी में योगी सरकार के फरमान का विरोध जताया है और इस मामले को लेकर शकील अहमद से खास बातचीत की है भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आशुतोष कुमार ने। शकील अहमद साहब, आप तक हाथों में तख्तिया लेकर जिस तरह से विधानसभा पहुंचे हैं, तमाम तरह की सब्जियां और फल है, कांग्रेस के लीडर हैं शकील साहब। शकील साहब, ये सब्जियां लेके क्या दर्शाना चाहते हैं? ये सब्जी को बांट सकोगे हिंदू मुसलमान में? सवाल ये है, यही प्रश्न है। जो असंवैधानिक काम उत्तर प्रदेश में फरमान के तौर पे हो रहा है, तो मैं ये दर्शाना चाहता हूँ कि सब्जियों के रंग के आधार पे बांट पाओगे? सवाल यहाँ पे खड़ा है। यह जो न्याय संगत काम नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में, न्याय संगत काम कब होगा? कब ये बांटने को रोक पाएंगे? यह संवैधानिक प्रश्न है कि दुकान में नाम लिखिए तो फिर कपड़ों के रंगों पे नाम लिखिए तो इससे क्या होगा? तस्वीरों में देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद जी और किस तरह से सब्जियों के जरिए एक तरह से महंगाई का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस विरोध के जरिए संविधान के साथ जो छेड़छाड़ का सवाल कांग्रेस उठाती है, कुछ उसी अंदाज में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने फरमान जारी किया है नेम प्लेट लगाने को लेकर, उसी का कांग्रेस अब बिहार विधानसभा में भी मुद्दा बना के विरोध कर रही है। सहयोगी कैमरामैन केस के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।